गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट फिफ्थ, यानी यूनिट जो हम फिफ्थ ले रहे थे उसमें दैनिक जीवन में रसायन। हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था साबुन के बारे में। आज हम अगला पढ़ेंगे अपमार्जक, और फिर इन दोनों के हम क्या दिखेंगे, डिफरेंस, अंतर देखेंगे। आपने साबुन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा किस प्रकार से बनता है, उसके निर्माण की विधि क्या है, ये सारे हमने चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं अपमार्जक के बारे में। ध्यान समझना, साइंस का जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक का आज हम फिफ्थ लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन सा था, पार्ट था हमारा फिफ्थ, दैनिक जीवन में रसायन। आज हम पढ़ेंगे अपमार्जक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपमार्जक, अपमार्जक के बारे में। ध्यान से समझें, देखो कल हमने जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिटर्जेंट कहते हैं, ध्यान रखना। कल हमने साबुन के बारे में पढ़ा था। साबुन को हमने क्या कहा था कि साबुन जो होते हैं वो उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। हमने क्या कहा था कि उच्च वसा अम्ल जो होते हैं उनकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, साबुन बनता है, यानी उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और ये क्या होते हैं अपमार्जक, ये होते हैं, ध्यान से समझना कि ये होते हैं सोडियम, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल सल्फेट लवण, या फिर ये होते हैं सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण। तो वो क्या होते थे, साबुन होते थे उच्च वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, और अपमार्जक क्या होते, सोडियम एल्किल सल्फेट लवण या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। अब इनका फॉर्मूला में देखो तो देखो क्या है, सिंपल सा है, सोडियम है, इसका सम सोडियम का क्या होता है Na, ये प्लस चार्ज इसमें होता है। फिर क्या है एल्किल, एल्किल को हम R से कहते हैं, सल्फेट, सल्फेट को हम SO4 से कहते हैं, तो ये SO4 ये होता है इसमें माइनस, ठीक है। और एक क्या है एल्किल, एल्किल समूह हम लिखते हैं R से, या तो फिर ये वाला फॉर्मूला लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं सोडियम ये SO3 माइनस और O से बॉन्ड और से R, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो ये क्या है सोडियम एल्किल सल्फेट, या इसको भी लिख सकते सोडियम एल्किल सल्फेट, सल्फेट का मतलब SO4, एल्किल का मतलब मैंने कल ही कहा था कि R का मतलब क्या है एल्किल समूह, R का मतलब क्या है एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब इस R के अंदर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये सारे क्या है एल्किल समूह, यानी हाइड्रोकार्बन से, क्या है हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या कहते हैं आर को एल्किल समूह से, CH3C2H5 और भी कार्बन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो सोडियम एल्किल सल्फेट ये इसका फॉर्मूला है, सोडियम एल्किल सल्फेट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा क्या है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, तो सोडियम ये आ गया सोडियम सल्फोनेट, सल्फोनेट को हम लिखते हैं SO3 से, किससे लिखते हैं SO3 से, ये माइनस हो गया SO3 से सल्फोनेट। फिर बेंजीन है तो बेंजीन को लिखा जाता है C6H5, ऐसे बेंजीन होता है C6H6, लेकिन एक बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है ना C6H6 होता है, लेकिन एक बॉन्ड से बनेगा क्या जुड़ेगा एल्किल समूह जुड़ेगा, इसलिए ये बॉन्ड, तो ये कहलाएगा क्या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका फॉर्मूला है। तो ध्यान से समझना, तो ये क्या होते हैं, या तो सोडियम एल्किल सल्फेट लवण होते हैं या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं, ध्यान से आप समझना और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। अब अगला, अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ और मधु जल के साथ, कठोर जल व मधु जल, मधु यानी मीठा पानी और खारा पानी दोनों के साथ जाग जाते हैं, कठोर जल व मधु जल, कठोर व मधु जल दोनों के साथ क्या देते हैं सफाई का कार्य करते हैं, या जल के साथ झाग देते हैं, झाग देते हैं, या फिर किसका कार्य करते हैं सफाई का कार्य करते हैं, दोनों के साथ
कल हमने क्या पढ़ा था, साबुन सिर्फ मधु जल के साथ झाग देता है, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। उसका कारण भी हमने समझा था कि जो मैग्नीशियम के क्लोराइड और जो कैल्शियम क्लोराइड जो अशुद्धियाँ होती है पानी के अंदर खारे पानी में, वो सोडियम को प्रतिस्थापित कर देती है और खुद उसके जाके जुड़ के मैग्नीशियम के लवण या कैल्शियम के लवण बनाते हैं, जो पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं साबुन में। लेकिन ये क्या होता है, कठोर व मधु जल के दोनों के साथ क्या करता है, सफाई का कार्य करता है। क्यों करता है, तो कारण क्या है कि जब इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड और जो कैल्शियम क्लोराइड की जो अशुद्धियाँ होती है किसमें होती है, खारे पानी में। खारे पानी में जो ये अशुद्धियाँ होती है ये क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है और सोडियम को यहाँ से हटा देती है। ये सोडियम को यहाँ से हटा के खुद उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं, यानी ये क्या बना देंगे, ये इस तरीके से ये जुड़ेंगे उसके साथ और क्या बनाएंगे, सोडियम की जगह खुद जाके जुड़ जाएंगे Mg+ के रूप में, और इस सोडियम को हटा के Mg के रूप में या कैल्शियम के रूप में इसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। इन दोनों के साथ जाके क्या जुड़ जाते हैं और इनके लवण बनाते हैं। लेकिन ये जो लवण होते हैं ये क्या होते हैं, पानी में घुलनशील, क्या होते हैं, घुलनशील। कल हमने पढ़ा था कि वो उनके अघुलनशील होते हैं। तो क्या कहा हमने कि कठोर जल में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो अशुद्धियाँ होती है ये क्या करती है, इस नाइट्रोजन सोडियम को यहाँ से प्रतिस्थापित, किसको, सोडियम को यहाँ से प्रतिस्थापित करती है और खुद उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के लवण बनाते हैं। मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्या बनाते हैं, लवण। इनके साथ जुड़ के इनको हटा के खुद उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं और इनके लवण बनाते हैं। लेकिन ये जो लवण बनते हैं वो जल में कैसे होते हैं, घुलनशील, मतलब सोडियम की जगह ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो ये Mg+ ऐसा बन जाएगा, SO4- बन जाएगा और ये R बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा लवण, तो मैग्नीशियम या फिर क्या बन जाएगा, कैल्शियम के लवण। ये जो लवण होते हैं, ये जो लवण बने हैं, यानी ये भी हो सकते हैं सल्फेट लवण भी हो सकते हैं और सल्फोनेट लवण भी हो सकते हैं। ये दोनों जो लवण होते हैं वो क्या होता है, देखो सोडियम को इस ये बाहर करेंगे, जब कठोर जल के साथ ये अपर मार्जन में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, सोडियम को ये बाहर करेंगे, खुद उसकी जगह जाके कौन जुड़ेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कहाँ पर है ये, कठोर जल की अशुद्धियाँ हैं, ये जाके इनके साथ जुड़ेंगे, सोडियम को बाहर करेंगे, खुद उसके साथ जुड़ के ये इस प्रकार का सल्फेट या सल्फोनेट लवण बनाएंगे। लेकिन ये जो लवण होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, इसलिए ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं, कौन, अपमार्जक, कठोर जल के साथ भी ये झाग आसानी से देते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर कि वो क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें वो जो लवण बनते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम के वो कैसे होते हैं, अघुलनशील, और ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। अगला देखो, इसका जो जलीय विलयन जो होता है, क्या होता है, जलीय विलयन, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रबल सार व प्रबल अम्ल के लवण होते हैं, प्रबल सार व प्रबल अम्ल के लवण होते हैं। अपमार्जक किसके लवण होते हैं, प्रबल सार व प्रबल अम्ल के लवण होते हैं, लवण होते हैं, समझ गए। तो ये जो अपमार्जक किसके होते हैं, प्रबल सार और प्रबल अम्ल के लवण होते हैं। देखो सोडियम और SO4H2SO4 हमने कहा था एल्किल, समझे, तो प्रबल सार और प्रबल अम्ल के ये लवण होते हैं, प्रबल सार के और प्रबल अम्ल के लवण होते हैं। इस कारण से ये लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका जलीय जो विलयन होता है वो होता है उदासीन। इनका जलीय विलयन कैसा होता है, जलीय विलयन उदासीन होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। हमने पढ़ा था कि साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि हमें अंतर भी देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस भी, तो साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल सार के लवण है, इसलिए इनका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। आजकल जो हम संश्लेषित अपमार्जक बनाते हैं, जो हम बनाते हैं उसके अंदर उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन पदार्थ का भी नाम हम देख लेते हैं। इनके अंदर कौन से पदार्थ मिलाया जाता है, एक तो मिलाया जाता है अकार्बनिक फॉस्फेट, इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, इनकी क्षमता अपमार्जक की, किसकी, अपमार्जक की क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाए, तो उन पदार्थों का नाम क्या है, इसमें क्षमता किसकी, अपमार्जक की, आजकल जो अपमार्जक आते हैं उनकी क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाए के अच्छी तरीके से ये झाग दे, समझ गए। साथ ही साथ इनसे जो प्रदूषण होता है, इनसे सबसे बड़ी समस्या है क्या है, ये अपमार्जक की, ये जल प्रदूषण का कारण है, सबसे बड़ा जल प्रदूषण का कारण है, ये भी मैं बताऊंगा अभी जल प्रदूषण क्यों होता है। तो क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर मिलाते हैं अकार्बनिक, याद रखना, अकार्बनिक फॉस्फेट
एक मिलाया जाता सोडियम ऑक्सीबोरेट, सोडियम ऑक्सीबोरेट और कुछ प्रतिदीप्त भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं, कुछ प्रतिदीप्त भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। आई बात समझ में, जो नमी को सोख लेते हैं, समझ गए। तो अकार्बनिक फॉस्फेट मिलाए जाते हैं, सोडियम ऑक्सीबोरेट और कुछ प्रतिदीप्त भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। क्या करने के लिए? इस अपमाद्य की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कि भाई ये कम प्रदूषण करे, जल प्रदूषण इनसे कम हो। प्रदूषण तो उसके लिए कुछ पदार्थ उसके अंदर इसकी झाग करने की क्षमता ज्यादा, उसके अंदर कार्बनिक फॉस्फेट मिलाएंगे, सोडियम ऑक्सीबोरेट मिलाएंगे और कुछ प्रतिदीप्त इसके अंदर मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? कुछ प्रतिदीप्त भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जल प्रदूषण का कारण क्यों है। देखो ये क्या करते हैं अपमार्जक, ये जो संश्लेषित जो अपमार्जक है ये क्या किसका काम करते हैं? जल प्रदूषण, ये जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, समझ गए। क्यों? देखो ध्यान रखना, तो क्योंकि ये जल प्रदूषण क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इन एल्किल समूह की अगर शाखाएं ज्यादा है, यानी इसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है, ये जो आर है इसकी शाखाएं अगर ज्यादा है और बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है और शाखाएं इसकी बहुत ज्यादा है, यानी हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि जीवाणु इनका अपघटन नहीं कर पाता। जीवाणु इनका क्या नहीं कर पाता? जीवाणु अपघटन नहीं कर पाता। जब हम इसे जो सफाई का कार्य करते हैं, तो जो पानी जो होता है, जो झाग वाला पानी जब नालियों में जाता है, तो जीवाणु उनका अपघटन, ये ऐसे कैसे बने रहते हैं, इनके जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे कैसे बने, इनका अपघटन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और एल्किल जो समूह है, इनकी श्रृंखलाएं बड़ी होती है, शाखाएं बड़ी होती है, तो ये जल प्रदूषण का कारण है, क्योंकि जीवाणु इनका अपघटन नहीं कर पाता। अब इनका जीवाणु अपघटन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये ऐसे कैसे बने रहेंगे, इसका मतलब ये प्रदूषण का कारण बनेंगे। क्योंकि हमें पता है कि बहुत बड़ी विशाल संख्या के अंदर जनसंख्या, उसके अंदर सभी डिटर्जेंट का यूज आजकल करते हैं, तो उसका जो पानी है वो पूरा नालियों के अंदर उससे आगे से आगे ये चला जाता रहता है, विभिन्न पोखरों में, तालाबों में, कई कई बड़े शहरों में होता है, तो वो प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। क्यों कारण? तो उसके अंदर एल्किल समूह, अब इसको एल्किल समूह की क्या, हाइड्रोकार्बन की क्या करें, इसकी जो श्रृंखला है उसकी शाखाओं को क्या करें, कम, कि भाई कम शाखाओं वाला अगर हम एल्किल समूह लें, इसका अगर इससे बचाव करना है तो हम ऐसा यूज करें अपमार्जक जिसके अंदर एल्किल समूह की शाखाएं कैसी हो, कम हो, शाखाएं कम हो, ताकि जीवाणु उनका अपघटन आसानी से कर पाए। तो निम्न शाखाओं वाले, कम शाखाओं वाले एल्किल समूह या हाइड्रोकार्बन समूह की शाखाएं जो होती है, इसके अंदर ये जो R जुड़ा हुआ है, ये R जुड़ा हुआ जो है, इनकी शाखाएं क्या की जाती है, कम, इसमें हाइड्रोकार्बन निम्न लिया जाता है, ताकि जो जीवाणु है इनका आसानी से अपघटन कर जाए और जल प्रदूषण की समस्या से हम बच सकते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा कारण है अपमार्जक जल प्रदूषण। क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर जुड़ने वाली जो हाइड्रोकार्बन की जो शाखाएं अगर हम बड़ी लें, लंबी लें, तो ये क्या होगा, जल प्रदूषण का कारण बनेगा। और इनकी शाखाओं को हम निम्न करें तो क्या होगा कि ये जीवाणु उनका अपघटन आसानी से कर पाएगा और इससे ये हम बच सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या था, अपमार्जक था। क्या था? अपमार्जक जिसके बारे में हमने पढ़ा। क्या था ये? सोडियम एल्किल सल्फेट लवण होते हैं या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। कठोर व मधु जल दोनों के साथ झाग कार्य करता है और इसके जो कठोर जल के साथ जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो अशुद्धियाँ हैं, जब इनके साथ सोडियम को प्रतिस्थापित कर खुद उसके साथ जब जुड़ते हैं, तो वो पदार्थ जो बनाते हैं, लवण बनाते हैं, वो घुलनशील होता है, इसलिए ये कठोर जल में झाग देता है। तो आपको पूछ ले कि भाई साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में झाग देता है, कारण बताओ। तो कारण क्या कहेंगे कि इनके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण बनते हैं, जब इन सोडियम को प्रतिस्थापित करके, तो वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, इस कारण से ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। प्रबल सार और प्रबल अम्ल के लवण होते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। और समता व गुणवत्ता बनाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम ऑक्सीबोरेट और कुछ प्रतिदीप्त इसके अंदर मिलाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अपमार्जक जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवाणु इनका अपघटन नहीं कर पाता, इसलिए हमें एल्किल समूह जो हाइड्रोकार्बन समूह उसकी निम्न श्रृंखला लेनी चाहिए। अब हम इन दोनों के अंदर अपमार्जक हो गया, अब इसको हम पढ़ते हैं इसके साबुन और अपमार्जक के अंतर, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें पूछते हैं कि साबुन और अपमार्जक के अंतर लिखिए, तो इसके अंतर हम लिखते हैं इन दोनों के अंतर के, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, जो हमने पढ़ा है वही अंतर हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और देखें कि अपमार्जक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अपमार्जक के प्रकार भी देख लो एक बार, अपमार्जक के प्रकार
ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायनिक अन धनायनिक अपमार्जक होते हैं, एक होते हैं ऋण आयनिक अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक, और एक होते हैं उदासीन अपमार्जक, अपमार्जक। तो कितने प्रकार के होते हैं अपमार्जक के प्रकार, कितने होते हैं? तीन तरीके के। अभी बात समझे कौन कौन से? एक तो धनायनिक अपमार्जक, एक होता है ऋण आयनिक अपमार्जक, और एक होता है उदासीन अपमार्जक। आई बात समझ में? तो तीन तरीके के ये अपमार्जक के प्रकार हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक के अंदर उपयोग पढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, चलो एक तरफ हम लिख देते हैं साबुन और एक तरफ हम लिख देते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट। डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है? अपमार्जक। पहला गुण बताओ, पहला क्या है? ये किससे बने होते हैं? ये होते हैं उच्च वसा अम्लों के, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। पहला गुण क्या हो गया कि उच्च वसा अम्ल के ये क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम लवण। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं सोडियम, अभी पढ़ा ना, सोडियम एल्किल सल्फेट, या फिर क्या है, या फिर क्या होंगे ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण। आई बात समझ में? तो ये क्या होते हैं? उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट, यानी हमने ये अभी लिखा था सोडियम एल्किल सल्फेट, एसओ फोर हो गया ना, एक आर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा हमने क्या लिखा है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये वाला। ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, इसके लवण होते हैं। और ये वाला जो है ये किसके होते थे? आर सी ओ एन ए, ये सोडियम या पोटेशियम लवण होते थे। तो ये किसके? उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, और ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते थे। ये तो पहला गुण। दूसरा गुण क्या है बताओ? ये कठोर, ये सिर्फ किसके साथ? मधु जल के साथ झाग देता है, मधु जल के साथ, मधु जल के साथ आसानी से झाग देता है, आसानी से झाग या फिर सफाई का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है। किसके साथ? मधु जल के साथ आसानी से झाग या सफाई का कार्य करता है। इसका मतलब कठोर जल के साथ ये झाग नहीं देता है। ये इसमें अंतर क्या लिखेंगे? मधु व कठोर, मतलब खारे पानी, कठोर का मतलब कठोर पानी का मतलब क्या? खारा पानी, और मधु यानी मीठा पानी, मधु व कठोर दोनों के साथ झाग व सफाई का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है। तो दोनों के अंदर ये दूसरा डिफरेंस हो गया, क्या हो गया? ये मधु जल के साथ आसानी से झाग और सफाई का कार्य करता है, ये मधु व कठोर दोनों जल के साथ, क्योंकि इसमें बनने वाले जो मधु कठोर जल के साथ, क्या मधु जल के साथ तो आसानी से झाग देगा ही, कठोर जल में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियां जो सोडियम को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह जब प्रतिस्थापित हो जाती है तो उनके लवण घुलनशील होते हैं, और इनके जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे इसी से क्यों देते हैं? तो ये लिख देते हैं कि इनके मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील। क्या होते हैं? अघुलनशील। और इनके घुलनशील होते हैं, क्या लिखेंगे?
घुलनशील होते हैं। इसमें क्या लिखे है कि इनके जो सोडियम को प्रतिस्थापित करके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण बनेंगे वो कैसे होंगे, अघुलनशील, इसलिए जल के कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, और ये कठोर जल के साथ कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, किसके साथ, ये कठोर जल के साथ, कठोर जल के लवण, ठीक है ना, कठोर जल के साथ इनके जो लवण बनते हैं वो अघुलनशील होते हैं, और इनके लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, घुलनशील, कठोर जल के साथ, इसलिए वो आसानी से। चौथा एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे कि इनका जो जलीय विलयन है, क्या जलीय विलयन, इनका जो जलीय विलयन जो है वो कैसा होता है, क्षारीय, इनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, और इनका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि ये प्रबल सार और प्रबल अम्ल के अणु है, ध्यान रखना लवण है, इसलिए इनका जलीय विलयन तो कैसा होता है, क्षारीय, और इनका जो जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन। तो कितने हमने पढ़ लिए, चार अंतर इसके अंदर पढ़ लिए हमने। परीक्षा के अंदर हम कभी भी दो पूछते हैं या साबुन या अपरमाजिक में अंतर लिखो, दो नंबर का सवाल हमारे पास आता है, दो पूछते हैं, मैंने आपको चार अंतर इसके अंदर बताए, तो और जो हमने पढ़ा है आगे साबुन के और अंदर सेम वो का वो हमने इसके अंतर वहां से लिख दिए। तो क्या होता है, ये उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं, ये मधु जल के साथ आसानी से झाग देते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, मधु और कठोर दोनों के साथ झाग और सफाई का कार्य करते हैं। इनके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण कैसे बनते हैं, सोडियम को प्रतिस्थापित, जब इनको कठोर जल के साथ जब साबुन को मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम उनके साथ या कैल्शियम उनके साथ जुड़ जाता है, सोडियम को प्रतिस्थापित करते हैं, उनके जो लवण बनते हैं वो अघुलनशील होते हैं, इसलिए ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। और इनमें क्या होते हैं कि सोडियम और इस सोडियम की जगह जब मैग्नीशियम आता है तो इनका जो लवण बनता है वो क्या होता है, घुलनशील होता है, इसलिए ये आसानी से झाग देते हैं या सफाई का कार्य करते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इनका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये देख लिए हमने साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर, और अपमार्जक के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो सफाई की क्रिया होती है वो होती किस तरीके से है वो हम नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में, मिसेल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड के अंदर सवाल पूछा हुआ है, मिसेल क्या है, किस प्रकार से ये सफाई की क्रिया करता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, और फिर नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का चैप्टर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको पढ़े समझे, इनके अंतर कॉपी में नोट कर ले, हो सकता है इसके वाले को भी आप नोट कर ले, पूरे इस साबुन और अपरमाजे के अंतर को क्या कर ले, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले और इन्हें याद करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।